नमस्कार दोस्तों, मैं सर्पमित्र गोपाल सोनी और आप देख रहे सर्पमित्र गोपाल सोनी, कैमरामैन सोनू वाक के साथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको और आपकी फैमिली को सर्पमित्र गोपाल सोनी यूट्यूब चैनल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं दोस्तों। और आज मैं एक बार फिर से धुलिया से 10 किलोमीटर का दूरी पर फिर से एक इंडिया का बहुत ही हाईली वैनमस सांप को रिलीज करने के लिए आया हूं दोस्तों। मेरे साथ में हमारे परम मित्र जो कि थोड़ा सा सांपों के बारे में जानकारी रखते हैं और भी जानकारी लेना चाहते हैं हमसे, तो दोस्तों उनका नाम है विनायक और हमारे परम मित्र गणेश परदेशी जो कि ललिंग के और हमारे बड़े भाई के समान है दोस्तों। उनका भी कहना ऐसा था कि गोपाल भाऊ, आप सांप कहाँ पे छोड़ते हर बार, तो हमने ऐसा सोच लिया कि आज हमारे परम मित्र जी को साथ में लेके हम दिखाए कि सांप कहाँ पे रिलीज करते हैं। तो दोस्तों हम अभी बिना देरी के उस सांप को रिलीज करना चाहते हैं दोस्तों। दोपहर को 2 बजे आज तीखी गाँव से मैंने इस सांप को रिलीज किया था, जिनका नाम है समाधान मोरे। तो दोस्तों उनके घर से मैंने इस कोबरा सांप को रेस्क्यू किया था दोस्तों। रेस्क्यू का वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ क्योंकि कॉल अर्जेंट रहते और कैमरा कौन पकड़े या फिर कैमरा पकड़ने वाले ढंग के नहीं रहे, तो इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ दोस्तों। तो मैं इस सांप को अभी रिलीज करता हूँ दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए आप थोड़ा सा डब्बे के साथ में, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सांप है। इसके साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते क्योंकि खेलने का चीज़ नहीं है दोस्तों। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 2 मिनट आपको दिखा दूँगा। और ये भारत का 5 जहरीले सांपों में से एक सांप है जिसका न्यूरोटॉक्साइज का वैनम रहता है दोस्तों, जिसके काटने पर मौत होती है दोस्तों, अगर आपका टाइम से अगर इलाज नहीं हुए तो। इलाज तो अभी होता है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। देखिए दोस्तों, ये एक कोबरा सांप है जो कि एक ही सांप कोबरा प्रजाति के सांप ही फन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों काफ़ी खाता पीता है दोस्तों, ये खाता पीता भी क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि घर के अंदर था। तो दोस्तों देख लीजिए कितनी खतरनाक साइज है इसकी और काफ़ी लंबा भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोबरा सांप जो कि ऐसा फन करता है दोस्तों, ना कि कोई भी दूसरे विषारी सांप नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इन सांपों को इसलिए बचाता हूँ क्योंकि पर्यावरण का एक हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और इसको पता है कि मैं अभी पर्यावरण में रिलीज होना वाला रिलीज होने के लिए रेडी हूँ। तो दोस्तों मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों ये अभी चला जाए और हम तो दोस्तों देख लिया कि आप लोगों ने कितना फुर्ती के साथ में अपने पर्यावरण की ओर चला गया दोस्तों। इंडिया का मोस्ट वैनमस भारतीय नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा या फिर साइंटिफिक्स उसको नाजा नाजा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही किसी खतरनाक वीडियो के साथ साथ में मैं फिर से दोबारा आपके सामने आ जाऊँगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर आप सबों को एक बार फिर से हमारे तीनों टीम की वजह से दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सबों को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।